इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, मैं हूं तरुण कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए अब आपको बताते हैं अभी तक की ताजा खबर। सिद्धार्थ नगर सरकारी स्कूल में बच्चों के भविष्य के साथ हो रहा है खिलवाड़। प्रदेश सरकार भले ही शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए लाख प्रयास कर रही है, लेकिन सरकारी स्कूल में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्राथमिक विद्यालय खुले तो हैं, लेकिन शिक्षकों की आराम तबली की आदत नहीं छूट रही है। रसोईया समय से स्कूल खोल तो देते हैं, लेकिन अध्यापक नदारद रहते हैं। ऐसा ही मामला जनपद सिद्धार्थ नगर के बर्डरपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत भरौलिया के प्राथमिक विद्यालय भटौली का है। यहां बच्चों ने बताया मिड डे मील के मेनू के हिसाब से भोजन नहीं बनता, इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर भी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। अभिभावक के अनुसार 15-15 दिन शिक्षक अतुल पांडे स्कूल में नहीं दिखाई देते। उपरोक्त इस संबंध में शिकायत के बाद विभाग द्वारा आश्वासन की घुट्टी पिलाकर मामले को शांत करा दिया जाता है, जिससे शिक्षक अतुल पांडे का मनोबल इतना बढ़ गया कि अभिभावक के साथ समाचार कवरेज करने पर पत्रकारों को धमकी देने व अभद्र व्यवहार करने से बाज नहीं आए। मामला संज्ञान में आने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जाँच की बात कही। अब देखना यह होगा कि बच्चों को उनके शिक्षा अधिकार मिल पाएगा या देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ चलता रहेगा। क्या नाम है बेटा? कृष्णा साने। कृष्णा साने। कितने कक्षा में पढ़ते हो? और कौन सा विद्यालय है ये? प्राथमिक विद्यालय भटौले। कितने अध्यापक हैं यहाँ पढ़ाने वाले? सिक्स। कितने आए हैं? कौन कौन आया है? हाँ। कितना टाइम हो रहा है अभी देखो जरा। ग्यारह बजकर सात मिनट। अच्छा, ये जो भोजन बनता है आप लोगों का खाना खाते हो, तो जिस हिसाब से लिखा होता है दीवार पे मेनू होता है उसी हिसाब से बनता है कि नहीं बनता है? नहीं बनता है। तो सर से आप नहीं कहते हो? सर नहीं। हाँ, क्या नाम है बेटा? कौन सा विद्यालय है? अभी यहाँ पे कितने टीचर हैं? कितने आए हैं? कौन कौन आया है? हाँ, अच्छा कुछ और कुछ और बता रहे थे आप लोग की मेनू की समस्या। आप लोगों को क्या है समस्या वो मेनू वाले खाना जो बनता है आप लोगों का भोजन, वो क्या दिक्कत है उसमें? क्या बनता है फिर? तहरी बनता है और सब्जी चावल और दाल चावल। क्या क्या नहीं बनता है, क्या क्या अब आपको और मिलना चाहिए जो नहीं मिलता है? सब्जी लिखा है, फल और रोटी सब्जी। तो रोटी सब्जी फल नहीं मिलता है? केवल आपको नहीं मिलता कि सारे बच्चों को नहीं मिलता है? क्यों, किसी को नहीं मिलता है क्या फल रोटी सब्जी? किसी को नहीं मिलती है? बैठपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत भरौलिया में प्राथमिक विद्यालय भटौली है, वहाँ पे एक सर हैं अतुल जी करके, विद्यालय में समय से नहीं आते हैं बच्चों ने बताया, और वहाँ पे मिड डे मील की व्यवस्था है वो ठीक ठाक नहीं है। सर इस पर क्या कहेंगे? आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मुझे आज पता लगा है कि बर्डपुर के ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय भटौली के शिक्षक अतुल पांडे हैं वो रेगुलर विद्यालय नहीं आते हैं, तो मैं इसकी स्वयं जांच करूंगा और कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी प्रकार की कोई अनियमितता विद्यालय में नहीं होने पाएगी, और मीनू के अनुसार जो भोजन नहीं बन रहा है ये भी आपने बताया है, तो इसको मैं संज्ञानित हुआ हूँ और मैं खुद ही देखूँगा और कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर वहाँ पे जब पत्रकार शूट करने जाते हैं, कवरेज करने जाते हैं, सर उस दौरान उनको धमकियाँ दी जाती हैं, मारने पीटने की, मोबाइल छीनने का प्रयास भी किया जाता है सर, और ये पूछा जाता है कि परमिशन सर बताओ, तो सर क्या वहाँ सर खबर कवरेज करने के लिए किसी परमिशन की ज़रूरत होगी क्या सर? नहीं, ये स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक है, ऐसी बात उनको नहीं कहनी चाहिए थी जी। खबर कवरेज करना और ये करना कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है जी। और मैं खुद देखूँगा उस विद्यालय को और ऐसे लोग जो हैं उन पर कठोर कार्रवाई होगी। सर पत्रकार अगर विद्यालय में जाता है तो किस चीज़ों को टच नहीं कर सकता है, किस चीज़ की पूछताछ नहीं कर सकता है वो?
नहीं, पूछताछ कर सकता है, देख सकता है, फोटो खींच सकता है, बात पूछ सकता है, उसकी कवरिंग कर सकता है, जनता के बीच में ला सकता है। पत्रकार सर विद्यालय, देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर और हर खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। नमस्कार। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।